नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं बेटा, जो भी MJP यानी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, BA फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर में है, और अब देख रहे हैं ये जो पेपर है, हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं वो एजुकेशन मतलब कि शिक्षा शास्त्र से बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, मतलब आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है यदि इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के चले जाते हैं, याद करके चले जाते हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में आते होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमसे सिंपली व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है 2022 में जो भी होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं पढ़ना है, 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी MJP वाले छात्र हैं उनके लिए बता रहा हूँ, MJP आर यू बरेली, उनके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो आप याद कर लो इन क्वेश्चनों को, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना। मैं अभी टिक लगा लो अपने पास, बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है, यदि नहीं है आपके पास में तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। उस पर लिखा है ऑल नोट्स डाउनलोड लिंक, उस पर टच करेंगे तो वहाँ सारे नोट्स मिलेंगे। आप ऊपर नीचे ऐसे करके ऊपर करके देख सकते हो, ठीक है, स्क्रॉल करके देख सकते हो ऊपर नीचे, बहुत सारे बहुत नोट्स पड़े हुए हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के अलग अलग डाल रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, MBA, MSc, MCom सबके लिए दे रखे हैं, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलो तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा वीडियो को, फटाफट शेयर करेंगे पहले तो वीडियो को, सभी लोग शेयर कर देंगे और लाइक करेंगे पहले वीडियो को, ठीक है। सभी लोग लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ का ध्यान देखो, अपने बुक, नोट्स, गैस पेपर को ओपन करो और टिक लगा लो उस पे, एजुकेशन से रिलेटेड। देखो ध्यान से, देखो पहला क्वेश्चन क्या बेटा, पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, मतलब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। इन क्वेश्चनों के वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अभी लगाओ कि भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है, इसको याद करेंगे। और शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन होता क्या है, उसके प्रारूप स्वरूप क्या है, और वो किस क्षेत्र में कितनी है, मतलब शिक्षा कितने क्षेत्र में है ये आपको बताना है, कौन कौन से साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ये जो तो उनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन टिक लगाएंगे कि शिक्षण, प्रशिक्षण, शिक्षा की परिभाषा, मतलब कि आपसे क्या समझते हैं, मतलब शिक्षण किसे कहते हैं, प्रशिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको सिंपल तरीके से, मतलब ये है आप बना बना के लिखे आएंगे। एक बार हम क्वेश्चनों को इन क्वेश्चनों के आंसरों को पढ़ लेंगे ना तो आप बना बना के लिखे आएंगे। देखो ऐसा नहीं होता, मतलब बुक में जो लिखा है वही हम करके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको बना बना के ही करके आते हैं, जो माइंड में हमारा आता है वही करके आते हैं, तो बना बना के ही करना होता है सब कुछ, ठीक है, मतलब कि हमें उसके आधार पर ही करना होता है, बेसिक तौर पर होता है, लेकिन हम जब पढ़े होते हैं तो उसको समझ लेते हैं, हम समझने के बाद ही अपने हिसाब से बना बना कर देते हैं, तो वो हमें करना होता है और वही तरीका हम अपनाते हैं हमेशा एग्जाम में, ठीक है। ऐसा थोड़ी हो कि मतलब सब लोग, मतलब जो बुक में लिखा है उसको रट के चले गए और छाप के आ गए, ऐसा कुछ नहीं बेटा, रटना एक अलग चीज होता है लेकिन समझ के करना वो एक अलग चीज होती है, तो हमें समझ के करना होता है। उसके बाद में देखो यहां बोला गया शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है उसके बारे में देख लेना है, और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के बारे में, और व्यक्ति और व्यावसायिक उद्देश्यों के बारे में, मतलब तीन उद्देश्य यहाँ बहुत जरूरी है, एक शिक्षा का जो होता है, एक सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, एक व्यावसायिक उद्देश्य होता है, उन उद्देश्यों के बारे में देखना है, और एक व्यक्तित्व उद्देश्य होता है उनके बारे में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो सांस्कृतिक विरासत क्या होती है, सांस्कृतिक विरासत के बारे में देखेंगे, और राष्ट्रीय एकीकरण, मतलब जिसे एकता कहते हैं, राष्ट्रीय एकता, मतलब हमारे अंदर एकता होगी तब हम कुछ भी कर सकते हैं ना, किसी को भी जिता सकते हैं, एकता है तो वो एकता के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रीय एकीकरण मतलब एकता क्या होती है, एक राष्ट्र की एकता के बारे में पूछा गया, इस क्वेश्चन को याद करेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संप्रभाव, जिसे देखो संदर्भ को कह सकते हैं भावना, ठीक है, कि राष्ट्रीय भावना क्या होती है उसके, और मानव संसाधन के बारे में, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भावना को याद करेंगे, अंतरराष्ट्रीय भावना की परिभाषा क्या होती है उसका वर्णन करना है, और मानव संसाधन के बारे में देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अभिकरणों का अर्थ क्या होता है, मतलब शिक्षा के अभिकरण क्या है, शिक्षा के अभिकरणों को याद करेंगे, और परिवार क्या होता है, मतलब परिवार जानते हो, एक समूह,
हमारा एक समूह है, परिवार है, उसके बारे में। परिवार क्या है और गैर शिक्षा का साधन, मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि गैर शिक्षा के साधन के बारे में वर्णन करो, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक मूल्य क्या होता है, उनके प्रकार के बारे में। तो संवैधानिक मूल्य है क्या, उसके प्रकार को देखेंगे। पूर्ण प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा, देखो पूर्ण प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा को टिक लगा लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को देखेंगे। और साथ ही जब पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की जब बात की जा रही है तो वहां एक पूछ लेता है किंडरगार्टन प्रणाली का वर्णन करो, किंडरगार्टन जो प्रणाली होती है उसके बारे में पूछ लेता है, वर्णन करो प्राथमिक शिक्षा की ये प्रणाली होती है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, जिसे कहते हैं मॉन्टेसरी पद्धति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमिकरण की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है उसकी सर्वभौमिकरण जो स्थिति है, पोजीशन है, वो किस पोजीशन पे है, पोजीशन के बारे में डिस्कस करना है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने भाषा में लिखते हैं, मतलब कि हम अपने हिसाब से बना बना के लिखेंगे। लिखने का तरीका ये, हम अपने एक बार बुक से पढ़ लेंगे, नोट्स हमारा डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ लो, उससे पढ़ लोगे ना तो एक बार में आप समझ जाओगे बिल्कुल शॉर्ट में है, सिंपल तरीके से आप पढ़ लोगे, फटाफट पन्ना बना के कर दोगे मस्त तरीके से, अच्छे नंबर लेके आना है बिल्कुल, मतलब पास होने से कोई रोक नहीं सकता, तो समझ रहे हो, इस तरीके को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ध्यान रखेंगे, अभी है देखो प्राथमिक शिक्षा हमने पढ़ी थी अब तक, अब है माध्यमिक शिक्षा। अब देखो माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण क्या होता है, उसका संगठन किस प्रकार से करेंगे, वो चीज है देखो संगठन का वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा का मतलब होता है यूनिवर्सिटी लेवल। आपने देखो होगा, देखो प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, जैसे एक से लेकर आठ में तक प्राथमिक शिक्षा होती है, नाइन्थ से लेकर इंटर तक क्या होती है बेटा, माध्यमिक शिक्षा होती है, आपको पता है। और उच्च शिक्षा किसमें आएगी, यूनिवर्सिटी, जैसे हम बीए बीएससी एमए एमएससी एमकॉम करते हैं, ठीक है, यूजी पीजी करते हैं, तो वहां क्या होती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहलाती है, वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके कार्य क्या है और इनके समस्याएं क्या क्या है, मतलब हम यदि हम उच्च शिक्षा पढ़ाई करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो हमें इसमें क्या प्रॉफिट होने हैं, कौन कौन सी पोजीशन आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं के बारे में हमें देख लेनी, प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो देखना है। उसके बाद में आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आपको पता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी, ये क्या होता है, आपको पता है यूजीसी क्या होता है बेटा, यूजीसी एक ऐसा बोर्ड है, आयोग है कह सकते हैं, कि यूजीसी जो कहेगा वो सारी यूनिवर्सिटी को फॉलो करना हो, मतलब यूजीसी ये कहेगा कि भाई तुम ये काम करोगे, यूनिवर्सिटी ये काम करेगी, ये करेगी, ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चलेगा, तो वो ये सब यूजीसी के अंदर का होता है, ठीक है। यूजीसी जो कह देगी वो यूनिवर्सिटी को मानना पड़ेगा, कोई भी आदेश आता है वो यूजीसी का आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आयोग है पूरे यूनिवर्सिटी, जो एमबीए बीएससी बीकॉम का जो करते हैं वो सब डिपेंड जो होता है वो यूजीसी के अंदर होता है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब एक एनसीईआरटी जानते हो, एनसीईआरटी का वर्णन का, एनसीईआरटी तो जानते हो, एनसीईआरटी जो हमारे यूजीसी बोर्ड है, छह से लेकर कितना हो गया, आठ नौ दस में जो आपका एनसीईआरटी बोर्ड है पूरा, तो एनसीईआरटी के अंदर आता है, जो एनसीईआरटी कहेगा सिलेबस पूरा होगा, वो पूरे यूपी में एनसीईआरटी चलता है तो एनसीईआरटी चलेगा, पूरे देश में चल रहा है तो एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी चलेगा, तो वो सिर्फ सिस्टम है पूरा, ठीक है। एक आयोग होता है वो चीज सिस्टम दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में देख लेंगे, और संस्कृति की विशेषता देख लेंगे, संस्कृति की विशेषता क्या है, मानव मूल्य का अर्थ क्या होता है पढ़ेंगे, और कौशल अधिग्रहण का उपयोग क्या होता है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे बेटा, बस बस ये क्वेश्चन और है दो तीन, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, देखो यहाँ देखो। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय भावना की आवश्यकता के कारण क्या है, अंतरराष्ट्रीय भावना की आवश्यकता के कारण, मैं अंतरराष्ट्रीय भावना ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैं इस क्वेश्चन को करा सका हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मत करो। उसके बाद में है शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक परोपचारिक जो अभिकरण है उनके उदाहरण देकर आपको टेस्ट करना है, शिक्षा के औपचारिक विचार क्या है, ठीक है, उनके उदाहरण क्या है, अनौपचारिक फिर निरौपचारिक विचारों के बारे में। जनसंचार देखो याद करना, जनसंचार के माध्यम का वर्णन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनसंचार के माध्यम क्या है, ठीक है, जिन्स ऑफ द मैन मीडिया, इसको बताना है। और यहाँ बोला गया है निःशुल्क शिक्षा के बारे में, निःशुल्क शिक्षा क्या होती है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, जैसे हमने फ्री पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। लास्ट में बस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन है 1882 में प्राथमिक शिक्षा का वर्णन किया गया था, ठीक है, उसका प्राथमिक शिक्षा का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो एस सी ई आर टी, ये भी एक बोर्ड होता है, एससीईआरटी कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग,
नामक संस्था होती है, ये भी एक बोर्ड होता है, इस बोर्ड के बारे में आपको देख लेना है, जैसे कि एनसीईआरटी बोर्ड होता है वैसे ये एससीईआरटी बोर्ड होता है, तो उसके बारे में आपको देख लेना है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, बस ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% 90% ला सकते हैं बड़े आराम से। इन क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले 10 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे जो आपके एग्जाम में आते होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बता दें यार पेपर हैकर यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, बोल दो उनसे, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए, बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना है ज्यादा से ज्यादा, और हमें कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।